सबसे पहले तो जो आज ये एग्जीबिशन है बहुत ही जबरदस्त जो मुझे बताया गया है और हमने सारे स्टॉल्स देखे हैं, छह के छह हॉल्स घूमे, गवर्नर साहब, खुर्शीद शाह साहब, परवेज मलिक साहब तो होस्ट है हमारे, और 85 मुल्क से लोग आए हैं यहाँ। पिछले साल बताए थे कि 40 आए थे और 700 से ऊपर 403 400 फॉरेनर्स आए थे, इस दफा 703। जैसे गवर्नर साहब ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और जो हमारी एक्सपोर्ट्स फॉल हुई है, इंशाल्लाह ताला इस टाइप की एग्जीबिशन से वापस हम वो एक्सपोर्ट्स को रिगेन कर सकेंगे। तो बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही अच्छा इवेंट है और इंशाल्लाह ताला लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा सवाल आपने पता नहीं किया, क्या मिली है, क्या हुआ है? नहीं, अब वो हैं पार्टियां कि खत्म हो गई, मुझे पता नहीं है, मैं बड़ा कंफ्यूज, कल भी हुआ था, आप भी सवाल कर रहे हैं, दो पार्टियां मिली हैं, क्या नहीं बनी है क्या पार्टी? बनने जाएगी तो फिर देखेंगे। और वह मुशर्रफ साहब पहले आ जाएं मुल्क में, फिर देखेंगे उनको, मुल्क से भागे हुए मुशर्रफ साहब आ जाएं टफ टाइम देने के लिए पहले। और जी देखें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, लोगों के वोट्स पे बिलीव करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बने अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले बन तो जाए ना। अभी तो फिलहाल तो वो कल देख के वो गाना याद आ गया था मुझे, एक पुराना है ना कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, नाम पता नहीं क्या है, नाम जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी तो वो कल रात को ही मैं बाद में टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहा था, आपस में ही कह रहे थे, कोई कहता कि नहीं जी एमक्यूएम खत्म नहीं हुई, एमक्यूएम है, दूसरा कहता नहीं एमक्यूएम खत्म हो गई है, नई पार्टी बनेगी, कोई कहता था पीएसपी होगी। तो अब जरा क्लियर हो जाए बात तो फिर जवाब देंगे, पहले वो खुद क्लियर हो जाए तब जाके हम देखेंगे। बाकी मुझे खुशी हुई है, हमने तो बहुत पहले मंजूर हसन साहब ने कह दिया था ना, एक ही चीज है, बस मुझे सिर्फ ये है कि किसी और को इकट्ठा ना कर ले अपने साथ जो हम नहीं चाहते।